वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में महसी इलाके में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। रविवार रात भी आदमखोर भेड़ियों के झुंड ने दो घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें एक 2.5 साल की बच्ची को उन्होंने अपना निवाला बना लिया, जबकि उनके हमले में एक 60 साल की वृद्ध महिला घायल हो गई। वहीं अब तक भेड़ियों ने 9 बच्चों समेत 10 लोगों का शिकार किया है, जबकि हमले में 50 लोग घायल हुए हैं। वन विभाग और जिला प्रशासन की टीम लगातार भेड़ियों को पकड़ने में जुटी है, लेकिन आदमखोर लगातार चकमा देकर हमले कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भेड़िए ने दो घटनाओं को अंजाम दिया। पहली घटना महसी के 12 बिगहा गांव की है, जहां रात 12 बजे से करीब आदमखोर भेड़िए ने एक 60 साल की महिला को पंजा मारकर घायल कर दिया। इसके बाद सुबह करीब 4 बजे महसी इलाके के गरेठी गुरुदत्त सिंह पूर्वा गांव में 2.5 साल की मासूम अंजलि को अपना निवाला बना लिया। उसका शव घर के करीब 1 किलोमीटर दूर मिला। इस तरीके से आपको बता दें कि बहराइच में लगातार इन आदमखोर भेड़ियों का बढ़ता जा रहा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, बहराइच की तस्वीर दिन ब दिन भयावह होती जा रही है। भेड़िए, 4 भेड़िए पकड़ाए हैं, फिर भी 2 अभी लापता हैं, किसी के हाथ में नहीं आ रहे। ऐसे में क्या लगता है कि वहां के लोगों को और कब तक इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो खूंखार भेड़िया है या फिर यूं कहा जाए आदमखोर भेड़िया, जो लगातार बहराइच के लोगों में दहशत पैदा बीच में कुछ दिनों से ये घटना रुकी हुई थी कि किसी तरह की कोई मौत की सूचना नहीं आ रही थी, लेकिन एकाएक अगर रात के 1 बजे के करीब की बात की जाए तो घर में अपनी माँ के बगल में सो रही 3 साल की बच्ची को एकाएक भेड़िया उठा ले गया और उस दौरान एक बुजुर्ग महिला पर भी हमला किया, जिसमें बुजुर्ग महिला तो घायल हो गई, लेकिन अगर बच्चे की बात की जाए तो बच्चे का जो शव है वो लगभग घर से 1 किलोमीटर दूर पाया गया। जिसमें कलीम, लगातार पुलिस द्वारा, वन विभाग की टीम द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है, कैमरे लगाए गए हैं, ग्रामीण भी जाके इतनी रखवाली कर रहे, उसके बावजूद भी भेड़ियों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए भेड़ियों के आतंक को लेकर के, तो उसको लेकर के लगातार जो 25 वन विभाग की टीमें हैं वो तो लगी है पकड़ने को लेकर के, क्योंकि वहाँ पर जो जंगल है, गन्ने की बात की जो खेती भी है गन्ने की, उन गन्ने के खेतों में लगातार ये छिप जा रहे हैं, जिसके कारण वन विभाग को भी कहीं ना कहीं तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, और जो ग्रामीण है वो भी लगातार भेड़ियों को पकड़ने की कवायद जो है तेज कर चुके हैं, लेकिन किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिल पा रही। 4 भेड़िया तो पकड़े गए हैं, लेकिन अभी 2 जो है वो लगातार आदमखोर और ज्यादा होते चले जा रहे हैं। जी जी कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीन राज्यों में बुलडोजर एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और आज इस पर सुनवाई होनी है। जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर उच्चतम न्यायालय मामले में आज सुनवाई करेगा। बता दें कि जस्टिस बीआर गवई की बेंच सुबह 11 बजे इस मामले को सुनेगी। जमीयत उलेमा ने हाल ही में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। जमीयत ने अपनी इस याचिका में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। अर्जी में आरोपियों के घरों पर सरकारों द्वारा बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि मई में मध्य प्रदेश में एक आरोपित के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया गया, वो भी घटना के कुछ घंटे के भीतर। कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सरकार ने उसे सजा दे दी। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, आज बुलडोजर एक्शन पे सुनवाई होनी है, क्या लगता है आपको कि क्या फैसला आ सकता है, क्योंकि योगी सरकार में कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन काफी ज्यादा मायने रख रहा है, क्या कहना है इसके बारे में आपका? अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए, 3 राज्यों में जिस तरीके से बोल्डर एक्शन का जो मामला चल रहा है, उस मामले को लेकर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, क्योंकि आज इस पर जो है सुनवाई भी होनी है, क्योंकि जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर आज सुनवाई है, वो सुनवाई करेगा, क्योंकि जस्टिस बी आर गवई की बेंच है सुबह 11 बजे इस मामले में सुनवाई करेगी। क्योंकि जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि ये एक समुदाय विशेष को लेकर और इसी कार्रवाई को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का जो आरोप लगाया है, अर्जी में आरोपी के घरों पर सरकार द्वारा बुलडोजर चलाने की जो बात की गई है,
कि लगातार जो मुस्लिम समुदाय है उनके घरों पर जो है कार्रवाई होती है, उनके घरों को गिराया जा रहा है। लेकिन अगर दूसरे पक्ष की बात की जाए तो उस पर किसी तरह की इस तरह की कार्रवाई नहीं होती बुलडोजर की। तो इन सभी मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा है। लेकिन सवाल यह है कि 11 बजे जो इस मामले में सुनवाई होगी तो सुनवाई में क्या कुछ फैसला आता है या फिर इस याचिका को खारिज किया जाता है, अब ये 11 बजे सुनवाई होगी उसमें खास देखने वाली बात होगी। जी करीम, क्या लगता है जिस तरीके से यूपी में बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है, लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं योगी सरकार पर कि वो एक अल्पसंख्यक को ही टारगेट कर रहे हैं, क्या लगता है ये कहां तक सही है? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से अल्पसंख्यक की बात की जाए वो केवल यूपी की ही नहीं क्योंकि तीन राज्यों की बात है, इससे चाहे मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो या फिर यूपी की हो, तीनों ही मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है और उसी याचिका पर आज 11 बजे सुनवाई होगी। जी कलीम, क्या लगता है क्या फैसला आ सकता है, क्योंकि जहां तक बात है कोर्ट में बुलडोजर एक्शन के मामले की, तो जब राजस्थान में ये मामला पहुंचा था तो राजस्थान की कोर्ट ने, सरकार ने खुद कहा था कि अगर राजस्थान की सरकार के पास बुलडोजर की कमी है तो वो योगी सरकार से किराए पर ले सकती है। तो क्या लगता है कि इस मामले पर राज्यों के भी अपनी अलग अलग राय है, अपने अपने इसको लेके फैसले हैं? हाँ देखिए, फिलहाल अर्चना जी कोर्ट के मामले में किसी तरह की कोई जो है टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी क्योंकि ये मामला कोर्ट पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद ही जो बातें होंगी वो स्पष्ट हो पाएंगी, क्या इस मामले में सरकार का जो रुख है उस पर जो है फटकार लगती है या फिर इन सभी मामलों की जो निष्पक्षता की जांच है उस जांच के लिए क्या टीम गठित होती है या फिर इस याचिका को खारिज किया जाता है। ये 11 बजे जो अदालत सुनवाई होगी उस पर ये फैसले जो है अहम देखे जाएंगे। जी कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही अतीक की पत्नी शाइस्ता का सुराग मिल गया है। शमशाद की पूछताछ में एक अहम खुलासे हुए हैं। बता दें कि दिल्ली के पास शमशाद शाइस्ता से मिला था, जिसमें पता चला कि कार में बैठाकर अतीक के गुर्गे शाइस्ता को ले गए थे, जिसमें जैनब और नूरी के बारे में भी जानकारी मिली है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।